वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल जहाँ चाहो वहाँ राह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्यूनो सेक्शन के डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे साइट का डेफिनेशन दिया हुआ है। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। वो जगह जहाँ पे किसी बिल्डिंग या सेटलमेंट को डेवलप किया जाए वो साइट होता है। इसके लिए चार आइडियल कंडीशन होता है। पहला तो उस जगह क्लाइमेट अच्छा हो, फेवरेबल हो। दूसरा, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी हो। तीसरा, कि जमीन सूटेबल हो। और चौथा, कि फर्टाइल सॉइल हो, ताकि अगर एग्रीकल्चर करना हो तो हेल्प मिले। फिर सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट बेसिकली वो प्लेस होता है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। और यूजुअली दो तरीका का होता है सेटलमेंट, परमानेंट और या टेम्पररी। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे डीप फॉरेस्ट, हॉट और कोल्ड डेजर्ट या माउंटेनियस एरिया, वो सब टेम्पररी सेटलमेंट होता है। और यहाँ पे लोग हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर ट्रांसह्यूमेस करते हैं। ट्रांसह्यूमेस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। तो जैसे जैसे सीजन बदलता है लोग भ्रमण करते रहते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसह्यूमेंस। और उसके बाद फिर एक तरह का सेटलमेंट होता है जो कि परमानेंट होता है। और यहाँ पे लोग घर बना लेते हैं परमानेंट, जो कि यूजुअली हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें नीचे, तो विलेजेस क्या होते हैं? तो ऐसे रूरल सेटलमेंट जहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में या फिशिंग में या प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब रूरल सेटलमेंट होते हैं। और ये इज यूजुअली कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होते हैं। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से मतलब है एक क्लोजली बिल्ट एरिया जहाँ पे जो ड्वेलिंग्स हो, जहाँ पे लोग रहते हो, वो बिल्कुल पास पास हो। जबकि स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होता है वहां पे लोग स्पेस ओवर में रहते हैं, जो कि एक्सटेंसिव एरिया में होता है। तो रूरल सेटलमेंट दोनों में से कैसा भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और स्कैटर्ड भी हो सकता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल, फिगर 7.2 में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है और 7.3 में स्कैटर्ड सेटलमेंट है। और स्कैटर्ड सेटलमेंट यूजुअली हिली ट्रैक या थिक फॉरेस्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले रीजन में, जहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम होती है, वहां पे यूजुअली स्कैटर्ड आपको मिलेगा सेटलमेंट। और उसके बाद कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, तो ऐसे में रेज प्लेटफॉर्म या फिर स्टिल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बांस से बनाया गया है, ताकि इससे क्या होगा कि पानी जब भी आएगा यहाँ, अगर मान लीजिए फ्लड आएगा काफी ज्यादा बारिश से, तो वो पानी घर में नहीं घुसेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए यूजुअली लोकल मटेरियल्स ही यूज होते हैं थिक मड वॉल्स बनाने के लिए, जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, जो भी आसपास मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग टाउन्स की बात करें, तो यहाँ पे ऐसे सिटीज उसे ही कहते हैं टाउन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, ये सब ज्यादा प्रीवेलेंट हो इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। उसके बाद अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। और अगर जब से इन्वेंशन हुआ है व्हील का, तब से ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो गया है। इसके पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, मगर अब फास्टर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे बनते जा रहा है। पहले ज्यादातर एनिमल्स का ही यूज होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हालांकि अभी भी यूज होता है मगर वो काफी कम होता है। उसके पहले हम लोग यहाँ साइड में देख सकते हैं इग्लू बना हुआ है, इसे ही ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस कहते हैं। और ये भी एक तरह का सेटलमेंट ही है, ड्वेलिंग है, जो कि पोलर रीजन्स में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ नीचे बात करें, तो एंडीज माउंटेन जो साउथ अमेरिका में है, या इलालामाज और या फिर याक, वहाँ पे काफी यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और बाकी तो कंट्री में कॉमन है ही, डंकी, म्यूल्स, बुलक कार्ट में, और कैमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अब हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण एरोप्लेन्स बन चुके हैं, जिनके कारण ट्रैवल काफी फास्ट हो चुका है। और 6 to 8 hours में हम लोग इंडिया से यूरोप भी जा सकते हैं, और काफी जल्दी पहुंच जाता है लोग, और इससे काफी टाइम और एनर्जी दोनों बचता है। बेसिकली चार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा यूज होते हैं, काफी ज्यादा प्रीवेलेंट है और मेजर है, जो कि है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। अगर हम लोग यहाँ ड्यूनो सेक्शन देखें साइड में, तो सेवरल नेशनल और स्टेट हाईवे इंडिया में है, जो कि जिनका कंस्ट्रक्शन हुआ एक्सप्रेसवे के तौर पे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि इंडिया के चारों इम्पोर्टेंट शहर को एक दूसरे से जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में। और इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि उसके चार साइड्स हैं। उसके बाद अगर हम रोडवेज की बात करें,
तो यूजुअली रोडवेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मेटल यानी कि पक्के रोड, और फिर अनमेटल या फिर कच्चे रोड। यूजुअली सिटीज में आपको मेटल रोड मिलेंगे ज्यादातर, और विलेजेस में आपको अनमेटल रोड मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाईवे है, मनाली लेह हाईवे जो हिमालयन माउंटेन पे सिचुएटेड है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड है। और अब तो काफी सारे अंडरग्राउंड सबवे या फिर अंडरपाथ भी बिल्ड हो रहे हैं, और फ्लाईओवर भी बिल्ड होते हैं जो कि रेज स्ट्रक्चर के ऊपर से होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं किसी भी बड़े शहर में। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेन के बारे में दिया हुआ है कि वो जिजिंग टू ल्हासा जाता है, और ये 4,000 मीटर अबव सी लेवल है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट तो एक जगह पे 5,072 मीटर भी जाता है, ये तिब्बत में है। उसके बाद अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हुआ था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि काफी तेज डेवलपमेंट हुआ रेल ट्रांसपोर्ट का, और सुपर फास्ट ट्रेन भी अब तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो कि जर्नी काफी फास्ट बना देते हैं, जैसा कि आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना ही होगा। फिर यहाँ पे दुनिया के सबसे लंबे रेल पाथ का बात हो रहा है, जो जिसे कहते हैं हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये रशिया के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि बिल्कुल वेस्टर्न टिप है रशिया का, और उसको व्लादिवोस्तोक से करता है जो कि बिल्कुल पैसिफिक कोस्ट यानी कि ईस्टर्न मोस्ट टिप है रशिया का, उससे उसको कनेक्ट करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस मैप में देख सकते हैं पॉज करके कि कैसे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल सिस्टम है। फिर हम लोग वाटरवेज की बात करते हैं, जो कि पानी के मदद से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम लोग वाटरवेज कहते हैं, या ये इनलाइन भी हो सकता है और सी रूट से भी हो सकता है। इनलाइन से यानी कि जो लैंड सरफेस के अंदर जो स्मॉलर, जैसे कि कोई लेक हो या फिर रिवर हो या वाटरवे हो इनलाइन, तो वो सभी इनलाइन वाटरवे में आता है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रेलवे रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका जो 5 लेक हैं, और रिवर नाइल जो कि सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, ये सभी इनलैंड वाटरवेज के काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और उसके अलावा बाकी एक सी से दूसरे सी, एक ओशन से दूसरे ओशन तो होते ही हैं सी रूट, वो भी वाटरवे के काफी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बनते हैं, पोर्ट यानी कि जो तटीय शहर होते हैं वो सभी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया में। कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्पज से, जैसे सिंगापुर एशिया में, फिर से मुंबई और न्यूयॉर्क और एलए नॉर्थ अमेरिका में, रियो दे जेनेरियो साउथ अमेरिका में स्पेशली ब्राजील में, और फिर डरबन और केप टाउन अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन और रोटरडम यूरोप में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एयरवेज की, तो अब तो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अभी फिलहाल तो एयरवेज ही है, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, और हेलीकॉप्टर्स भी एयरवेज में आते हैं एरोप्लेन के साथ साथ, जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं इन एक्सेसिबल एरियाज में जाने के लिए, स्पेशली कैलामिटीज के टाइम पे फूड वाटर क्लोथ या मेडिसिन अगर देना हो तो। और सारे मेजर इंपॉर्टेंट जगह पे एयरपोर्ट्स भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल एयरलाइंस भी चलती है। उसके बाद कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को, और टेक्नोलॉजी की मदद से अब काफी फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ चुका है। अगर हम लोग बात करें तो काफी तरह तरह का वे होता है, चाहे इंटरटेन करना हो या एजुकेट करना हो, तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सब काफी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। और अब तो इंटरनेट आ जाने के बाद हम लोग ईमेल्स भेज सकते हैं या फिर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो या नॉर्मल ऑडियो कॉल हो। उसके अलावा हम लोग रिजर्व कर सकते हैं टिकट्स एयरवेज के या रेलवे के या फिर सिनेमा के भी, और इस टाइप का जो रिवोल्यूशन आया है इससे इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल काफी ज्यादा बढ़ गई है, और सर्विस इंस्टीट्यूशन में अक्रॉस द वर्ल्ड काफी ज्यादा कनेक्शन आ चुकी है, और हम लोग एक लार्जर ग्लोबल सोसाइटी के तौर पे डेवलप कर चुके हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं पॉज करके कि कैसे वर्ल्ड के मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे इंडिया में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तीन काफी मेजर सी पोर्ट हैं, और अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो ये तीनों के अलावा न्यू दिल्ली भी काफी बड़ा एयरपोर्ट है। फिर तो एक्सरसाइजेज है, आई होप सारे एक्सरसाइजेज आप कर ही लेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, एंड हिट द लाइक बटन इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।